बार आप देख रहे हैं मेरे चैनल इलेक्ट्रिशियन मनोज। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड का वायरिंग बताने वाला हूं, एकदम सबसे इजी और सिंपल तरीका से, अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया गया। इस पर अगर कहा जाए ना तो आपको 100 वीडियो लाखों वीडियो मिल जाएगा। लेकिन गाइस मैं ऐसा तरीका बताऊंगा, ऐसा नियम बताऊंगा जो आप कोई भी आपके पास बोर्ड आता है तो आप आसानी से रिपेयर और कनेक्शन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग एक बोर्ड ले लेते हैं। बोर्ड से पहले गाइस ये चीज क्लियर है, अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा पास जो घर में बोर्ड है, जो मैं जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये अलग है और आपका घर में अलग है, अलग रहेगा। अगर ये जो आप कनेक्शन करेंगे ये तो आप कर ही लेंगे, सेम टू सेम ये कनेक्शन मैं बता दूंगा। अगर आपका घर में ये सेम टू रहता है तो कर लेंगे, लेकिन अगर इसके अलावा अगर अलग इलेक्ट्रिक बोर्ड आ जाता तो आप नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं सोचा कि एक ही वीडियो बना देता हूँ। और गाइस इस वीडियो से क्या है कि जो भी आपके पास इलेक्ट्रिक बोर्ड आएगा आप आसानी से कनेक्शन कर पाओगे। ये जरूरी नहीं है, ये दिमाग से आप निकाल दीजिए। वीडियो कनेक्शन करने से पहले चीज क्लियर कर लेता हूँ। आपका दिमाग से ये निकाल दो कि यार मेरा पास जो बोर्ड है उसमें 4 स्विच है, 5 सॉकेट है, एक लाइट है मतलब एक इंडिकेटर है, एक फ्यूज है, और जो आप बता रहे उसमें तो फ्यूज है ही नहीं, इंडिकेटर है ही नहीं। तो अगर ये दिमाग से आप क्लियरली निकाल दो, ठीक है, ये अगर दिमाग से निकाल दिए तो आप सीख पाओगे। यहाँ पर मैं नियम बताऊंगा। देखो आप बचपन में जैसे कोई भी चीज़ें पढ़ते हैं डिवाइड, तो डिवाइड में जब बचपन में पढ़ते हैं छोटा छोटा हम डिवाइड करते हैं, 2 से 8 को डिवाइड करते हैं, 10 को 20 को, तो क्या होगा इसे 9-10 में जाते हैं तो क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या हो जाता है, डिवाइड तो सेम फॉर्मूला बता है लेकिन संख्या बढ़ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हम लोग को कनेक्शन सेम करना है, हम लोग को नियम सीखना है। स्विच करोड़ों रहे, 50 रहे, कितनों भी रहे, या लाइट रहे स्वेटर, उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग सिर्फ कनेक्शन को सीखेंगे। अब नियम से चलेंगे तो स्विच ज़्यादा रहे या 50 रहे। देखो गाड़ी चलाने अगर सीख गए तो रोड जितना लंबा रहे चला ही लेंगे। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर बताता हूँ और क्लियर मैं आपको कर देता हूँ। तो चलो फटाफट से इसको कनेक्शन सीख लेते हैं। आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक बोर्ड हो, ये जरूरी नहीं कि आपके पास जो है यहाँ पर मेरे पास है यही है, ठीक है, हम लोग कनेक्शन को सीखेंगे। चलो कनेक्शन को सीखते हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं आपको देख लो, तो चलो हम लोग कनेक्शन करते हैं, टाइटल यहीं पर दिखा देता हूँ, ठीक है। एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर वीडियो को पूरा देख रहे और वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि गाइस ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब में बहुत सारा मिल जाएगा लेकिन उसमें वो क्या करता है कि आपको ये बोर्ड का कनेक्शन बता देगा और ज़्यादा जानकारी देगा। अरे कनेक्शन करना कोई बड़ी बात थोड़े, आप कनेक्शन कर दिया, वीडियो में कुछ कर दिया, चला गया, खत्म हो गया, क्या सीख पाओगे। लेकिन भी वीडियो थोड़ा लंबा होगा, समझा के अगर करेंगे ना तो आप एक ही वीडियो देखिए, 4-5 मिनट आपसे ज़्यादा लेंगे मेरे भाई, लेकिन आप प्रॉपरली सीख जाओगे, तो परफेक्ट सीख जाओगे। तो चलो हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते, कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले देखो न्यूट्रल का कनेक्शन कहाँ कहाँ होता है, इस चीज़ को देखना। न्यूट्रल को हम पहले कनेक्शन करेंगे तो ये याद रखना, न्यूट्रल जो होता है स्विच में फ्यूज में नहीं लगता है। एक चीज़ क्लियर करो, नोट में ये याद रखना, फ्यूज हो और स्विच हो उसमें न्यूट्रल नहीं लगता है। तो सीधा सीधा बात है, यहाँ पर जो देख पा रहे सॉकेट है, ठीक है, यह सॉकेट में लगेगा और बाकी किसी में न्यूट्रल नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मान लो कोई वायर एक ले लेते हैं, ठीक है, एक वायर ले लेते हैं, तो मेरा पास अभी फिलहाल यही वायर है, तो चलो हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग फेस को कनेक्शन करते हैं, न्यूट्रल सेम रहता है। तो न्यूट्रल क्या करना आपको, ये एक सॉकेट है, ठीक है, यहाँ पर सॉकेट है, दोनों में से एक पॉइंट में देना है, एल और एन लिखा हुआ रहता है, ठीक है, यहाँ पर से देखो इसमें एल है इसमें एन है, ठीक है। तो एन वाला में आपको न्यूट्रल देना है, और जितना भी आपका टीवी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, मशीन हो, जिस इस बोर्ड से आप ऑपरेट करना चाहते हैं, ठीक है, इस बोर्ड से, तो उसमें आपको दे देना, तो डायरेक्ट माइनस वाला आपको इसमें दे देना है। तो यहाँ पर मैंने एक वायर को ले लिया, उदाहरण पर यहाँ पर एक वायर को मैं ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक वायर ले लेता हूँ। तो चलो सबसे पहले न्यूट्रल को कनेक्शन करते हैं। ये 2 वायर आएगा, देखो ये 2 वायर, ठीक है, अधिकतर बोर्ड में जो कनेक्शन रहता है 2 वायर रहता है, ऐसे 3 वायर भी रहता है, एक ग्राउंड, ग्राउंड को हम लोग कनेक्शन नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपका बोर्ड चलेगा, ठीक है। तो बताऊंगा ग्राउंड क्यों जरूरी है बाद में बताऊंगा। चलो यहाँ पर हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं न्यूट्रल का, इसको सेट कर देते हैं, और यहाँ पर जो न्यूट्रल है इसमें देना है, देख सकते हैं न्यूट्रल लिखा हुआ लाइट प्रूफ में आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर दिखा रहा, ठीक है, देख सकते हैं इस तरह से न्यूट्रल है, मैंने इसको न्यूट्रल को कनेक्शन के लिए, ठीक है। और यहीं से जितना भी आपके पास जिसे ऑपरेट करना चाहते हैं इस बोर्ड से, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हीटर, गीजर, जो भी आपके पास है उसमें यहीं से ज्वाइंट करके
साथ में न्यूट्रल दे देना। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सॉकेट है और हो गया इतना काम। तो यहाँ पर और एक आपका बचेगा, ये है फेस वायर, इसको न्यूट्रल मान लेते हैं, इसको फेस वायर। तो फेस वायर जो डायरेक्ट आएगा, यहीं पर थोड़ा आपको समझना है, जब फेस वायर जो डायरेक्ट आएगा वो आएगा सीधा, ये इंडिया का रोल है गाइस, ये याद रखना, ये इंडिया का रोल है, हमेशा फेस जो है किसमें रहता है, स्विच का नीचे वाला पॉइंट में कनेक्शन करते हैं, ठीक है। स्विच ऊपर में रहे, नीचे रहे, दायां रहे, बायां रहे, अफ्रीका रहे, मुंबई में रहे, कहीं भी रहा, हमको सब मतलब इतना है कि हमको फेस वायर जो लेके जाना है स्विच का नीचे वाला में डालना है। अब कोना में रहे, ऊपर नहीं नीचे रहे, ये तो इस चीज से तो आप क्लियर है, ये तो नहीं सोचेंगे ना कि यार मेरा स्विच ऊपर में है तो आप तो नीचे बता, ऐसा नहीं है, कहीं भी रहे आपको इतना याद है कि नीचे में डालना है, ठीक है। तो चलो फटाफट से इसको डालते हैं। तो नीचे वाले जितने पॉइंट है मैं सभी को खोल लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर छीन लेना है वायर को, ठीक है, अपने हिसाब से ले लेना है। और छीनने के बाद क्या करना, सभी को इसमें डाल देना है, ठीक है। डाल दिया इतना ही डालना, ठीक है। चलो चलो दो टाइट करने में टाइट दिखाने के लिए थोड़ा सा हल्का हल्का टाइट कर देता हूँ, ज़्यादा क्लियरली समझ में आए, ठीक है। देखा यहाँ पर जो है नीचे वाला में सभी में कनेक्ट कर दिए, ठीक है। एक दो तीन चार स्विच है और ये एक चार स्विच, देखो यहाँ पर एक दो तीन चार सभी में कनेक्ट कर लिया, और ये एक स्विच है, ठीक है, ये देख सकते हैं स्विच है। तो ये देखो यहाँ पर ऊपर में दिया हुआ है, यही में कभी कभी ये यहाँ भी रहेगा, नहीं तो कभी कभी ऊपर में भी दिया, तो हमको नीचे वाला में देना। ऊपर में बोले आपसे कि ऊपर रहे, कोना रहे, कहीं भी रहे, इसमें दे देना, देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये न्यूट्रल है, ये फेस है, ठीक, क्लियर हो गया। और आपका बचा क्या है, यहाँ पर देखो बचा क्या है, एक दो तीन चार पाँच आपका छः बचा, ठीक है, छः वायर बचा। तो आपको करना क्या है, इस चीज को याद रखना, ये एक एक पॉइंट जो बचा है, ठीक है, जिस चीज को आप ऑपरेट करना चाहते हैं, जिस चीज को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे आप टीवी को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट टीवी में एक पॉइंट को दे दिए, यहीं से एक पॉइंट को टीवी में दे दिए और यहां से एक पॉइंट को दे दिए, तो इस स्विच को करेंगे तो आपका टीवी चल होगा। इसी तरह से कूलर चलाना है, तो यहीं से एक टर्न को माइनस दे देना है और यहां से इसको ऑफ करें तो कूलर ऑफ होगा। इसी तरह से सभी पॉइंट को अलग अलग जो भी आपके पास उपकरण हो उसमें कनेक्ट करते जाना, ठीक है। आप एक बचा ये वाला, इसको आप इस स्विच से कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहीं से देके इसमें दे देना, यहीं से इसमें दे देना, ठीक है। मेरा सर फिलहाल भी वायर नहीं है तो यहीं से इसको पॉइंट करके इसमें जोड़ देना, तो इसको ऑफ करेंगे तो ये वाला आपका काम करेगा, ठीक है। यही सिंपल कनेक्शन था गाइस, और आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक बोर्ड हो आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे रेगुलेटर है, रेगुलेटर खराब है, और बस आपको क्या करना है, इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक आप क्लियर हो गया, अब ये तो न्यूट्रल हो गया है। और यहाँ 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 या यहाँ नीचे वाला तार में कहीं भी एक फेस वायर, जैसे इसी का मान के चलो दो वायर है ना, इसमें हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो इसी का हम लोग लेते हैं, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, खड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर तोड़ेंगे, ठीक, यहाँ पर लोग तोड़ेंगे। तो चलो आपको दिखा देता हूँ, इसमें आगे चलो इसमें है दरअसल, तो चलो अच्छा यहीं पर हम जोड़ देते हैं, कहीं भी जोड़ देते हैं, मुझे इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो और यहाँ पर दो जगह काट देते हैं, दो वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करना है, यहाँ पर न्यूट्रल देना है और फेस आपको नीचे वाला पॉइंट भी यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, इसमें से कहीं भी दे दो, ये दिमाग निकाल दो कि यहाँ डालेंगे तो काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं, यानी आपको फेस वाला यही तक थोड़ा टच है ना, तो कहीं भी जोड़े तो काम करेगा ये। तो यहाँ काट के दोनों वायर बन गया, यही बोर्ड को अगर इलेक्ट्रिक में हम डाल देते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक बोर्ड में पुराना, जहाँ से आप सप्लाई लेना चाहते हैं, जैसे मेन बोर्ड हो या तो जहाँ बिजली बोर्ड से लेके आते हैं वहाँ डाल दो, तो ये आपका स्विच सॉकेट काम करने लगेगा, ठीक है। तो है गाइस आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से वीडियो बनते हैं कि किस तरह से ये बोर्ड को कनेक्शन करना है। और इसके बाद नहीं लगता है गाइस आपको समझ में नहीं आया होगा, कि यदि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से कनेक्शन करना है, तो वीडियो लंबा हो रहा है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे हम लोग, जो सीखने पर करते हैं और सीखने के लिए बनाते हैं, ज़्यादा फालतू का बात नहीं करेंगे, जो भी चीज़ में बात किया प्रैक्टिकल इस चीज़ को समझाने के लिए, फालतू बात करके आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं।
तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ गाइस, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा देना, और गाइस यार वीडियो को जरूर लाइक कर देना।